नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में कथित रूप से जमीन घोटाले को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और अब कांग्रेस इस पूरे मामले पे एकदम से आक्रामक हो गई है, बिल्कुल हमलावर हो गई है। और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेता जो है वो धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे और विश्वास के नाम पे जो है लूट कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर के चंदे की लूट यानी कि रामद्रोह, ये उनका कहना है। राम मंदिर जमीन खरीद को लेकर के जो विवाद हो रहा है, सब लोग उसकी बात कर रहे हैं, सब तरफ उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन सुरजेवाला का ये कहना है कि पीएम मोदी और सीएम योगी इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों के सौदे पे सवाल उठाते हुए ये कहा है कि जमीन बेचने वाले दीप नारायण बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। वे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे लगते हैं और ऋषिकेश उपाध्याय नरेंद्र मोदी और योगी के चहेते हैं। सुरजेवाला आगे ये कहते हैं कि 20 फरवरी 2021 को दीप ने अयोध्या में 890 वर्ग मीटर भूमि 20 लाख में खरीदी, यानी कि जमीन का रेट 2247 रुपये प्रति वर्ग मीटर हुआ, जबकि सेल डीड के अनुसार भूमि का जो कलेक्टेड रेट है वो 4000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इस खरीद के हिसाब से लगभग 73 दिन के बाद 11 मई 2021 को दीप ने ये जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दी। उन्होंने पूरा हिसाब किताब लगाया और फिर वो बताते हैं कि जमीन का रेट हुआ 28,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जबकि सेल डीड के मुताबिक भूमि का कलेक्टेड रेट जो है वो 4,000 रुपए प्रति मीटर बनता है। उनका ये भी कहना है कि 69 दिनों में जमीन की कीमत 1,250 प्रतिशत जो है बढ़ गई, यानी कि 3 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से कीमत बढ़ी है, और अगर ये घोटाला नहीं है तो क्या है। ये कहते हुए वो 5 सवाल पीएम और सीएम से पूछ रहे हैं। पहला सवाल उनका ये है कि क्या कारण है कि भगवान श्री राम मंदिर के चंदे की खुली छूट करने वाले पापियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए मोदी या योगी चुप बैठे हुए हैं? क्या पीएम और सीएम देश को बताएंगे कि 69 दिनों में जमीन की कीमत 1,250% कैसे बढ़ी? उनका तीसरा सवाल है कि जब भाजपा सरकार द्वारा भूमि की कीमत मात्र 4,000 रुपये प्रति वर्ग आकी गई, तो फिर राम मंदिर ट्रस्ट ने इसे 28,900 रुपये प्रति वर्ग में क्यों खरीदा? चौथा सवाल वो करते हैं कि क्या भाजपा नेता राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठे किए गए चंदे को चूना लगा के क्या मुनाफे की लूट में लगे हुए हैं? पांचवा सवाल है उनका, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए हजारों करोड़ों के चंदे में कितनी और रजिस्ट्रियों में खुली लूट हुई होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में पूरे मामले की जांच व पैसे के लेन देन का ऑडिट कर सारे फैक्ट देशवासियों के सामने नहीं रखे जाने चाहिए? एक और बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी भी इस पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमीन सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषि केश उपाध्याय और उनके भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की भूमिका पे सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा है कि मेयर और उनके भतीजे के बैंकों के खातों की जांच होनी चाहिए, साथ ही पूरे प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है और वो कहते हैं कि बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके भतीजे आरोपों में घिरे ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खातों की जाँच होनी चाहिए, और वो योगी सरकार से मांग भी करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके
राम मंदिर के नाम पर हुई भूमि खरीद में धांधली की सुनवाई हो, चंदा चोर जो हैं उनको जेल भेजा जाए। तो राम मंदिर में जो जमीन का कथित घोटाला कहा जा रहा है उस पे अब पार्टियां एक्टिव हो रही हैं। हालांकि ये सब लोग जान रहे हैं कि ये जो भी चल रहा है ये चुनाव को आते हुए देख करके उनका शोर शराबा है। और अपडेट जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल एमबी स्पीक्स। और हाँ दोस्तों, अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर देते रहें। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा है ये भी आप मुझे बताएं मेरे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।